दिसंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में कांग्रेस की ओर से भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। देहरादून में होने वाली कांग्रेस की सम्मान रैली को लेकर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से हमारे संवाददाता ज्योति सिंह ने की खास बातचीत, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। और कल ये जो रैली होने जा रही है सम्मान दिवस को लेकर, पहले तो इसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, इसके बारे में बताइए जी। इस रैली के लिए तमाम जिलों से हमारे सभी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं, लोग लगातार संपर्क में हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पहले तो मुझे जो उम्मीद थी कि जो हमारा टारगेट है वो पूरा होगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसके कई गुना अधिक लोग यहाँ रैली स्तर पर पहुँचेंगे। लोगों में उल्लास है, उमंग है, और इसके चलते मैं समझता हूँ कि ये उल्लास और उमंग पूरे प्रदेश में महसूस की जा रही है, तो ये आगाज है कि आगे इसके राजनीतिक मायने क्या होने जा रहे हैं। क्योंकि जयपुर में अभी महंगाई हटाओ रैली हुई और उसके बाद अब देहरादून में ये शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस दिखाने जा रही है, तो इसके कितने असर और कितने फायदे इसके उत्तराखंड विधानसभा चुनाव पर? नहीं, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये पूर्व सैनिकों के सम्मान स्वरूप राहुल जी को यहाँ पर आना था और संबोधित करना था। लेकिन चूंकि चुनाव का समय नजदीक है और बड़ी संख्या में लोग आना चाहते हैं, तो हम उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे सर? मुद्दे, मुख्य मुद्दा तो सैनिकों के सम्मान का ही मुद्दा है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रदेश में व्याप्त तमाम जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उन दिक्कतों को और परेशानियों को सभी नेता लोग एड्रेस करेंगे, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, हमारे किसान भाइयों के से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो हो, तीर्थ पुरोहितों के सामने जो ये लोग एक्ट लाए, दो साल उन्हें परेशान रखा, वो मुद्दा हो, सभी मुद्दों को छुआ जाएगा, सभी मुद्दों पर बातें होंगी। अगर हम रैली की बात करें तो हाल ही में पीएम मोदी की भी रैली हुई, आज की बात करें तो भाजपा की भी सम्मान दिवस रैली है, भीड़ जुटाना क्या एक काफी बड़ी चुनौती रहेगी कांग्रेस की? ये मुझे लगता है ये एहसास बीजेपी कर चुकी है मोदी जी की रैली में कि भीड़ जुटाना एक उनके लिए चुनौती थी, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस के लिए आने वाले लोगों का मैनेजमेंट प्रॉपर करने के सामने वो जो हमारा काम है, हम उसको बखूबी निभा सके तो ये हम साबित कर देंगे कि देहरादून में आज तक ऐसी कोई सभा हुई नहीं। बातचीत करने के लिए तो मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल। उत्तराखंड से कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं ज्योति सिंह, A1 TV।